मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। हैशटैग मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस नामांकन दाखिले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद शामिल हुए। नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस ने रैली निकाल कर शक्ति प्रदर्शन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ जाकर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कई मंत्रियों ने रैली निकाली। इस रैली में हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रैली की शुरुआत फतेहशाह भवन से हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा और कई मंत्रियों ने पैदल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। उसके बाद राजनांदगांव जिला कलेक्टर में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी की तरफ से खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव के लिए कोमल जंघेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कोमल जंघेल पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रह चुके हैं। उनका क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। कोमल जंघेल का लोधी समाज में अच्छा खासा प्रभाव है। आपको बता दें, खैरागढ़ विधानसभा में लोधी समाज की संख्या ज्यादा है। इस वजह से कांग्रेस और बीजेपी ने लोधी समाज का वोट बटोरने के लिए लोधी क्षेत्रीय और लोधी कुर्मी समाज के उम्मीदवारों को दोनों ही पार्टियों ने मैदान में उतारा है। वहीं जोगी कांग्रेस ने भी खैरागढ़ उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। जोगी कांग्रेस ने खैरागढ़ उपचुनाव के लिए नरेंद्र सोनी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नरेंद्र सोनी पेशे से वकील हैं, इसके साथ ही सामाजिक कार्यों में वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। आपको बता दें, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये 24 मार्च तक चलेगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक स्क्रूटनी के बाद 28 मार्च तक नाम वापस लिए जाएंगे। उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होगा और 16 अप्रैल को मतगणना होगी। राजनांदगांव जिले की ये सीट खैरागढ़ सियासत के राजा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।